हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बहर चौपाटक। हाँ जी गाइस, सो अगेन मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक होस्टल वाली वीडियो लेके। जी हाँ, सो अभी मैं हूँ बोरिंग रोड के एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गर्ल्स हॉस्टल में। तो चलिए अंदर चलते और पूरा रिव्यू करके आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हमेशा आप लोग बोलते रहते हो दीदी एक और गर्ल्स हॉस्टल, एक और गर्ल्स हॉस्टल, तो हमेशा हम लेके आते ही रहते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और पूरे डिटेल्स में आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग एंटर किए हैं इस गेट से, ये रहा हमारा मेन गेट। और जो भी लोकेशन वगैरह, बेचारी शर्मा रही है, जो भी लोकेशन वगैरह होगा ना वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और वीडियो के एंड तक मैं बता दूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं सेकेंड फ्लोर पे। सो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ ये किस टाइप का दिखता है। सो ओवरऑल ये हॉस्टल ना कुछ इस तरीके का दिखता है, हर एक जितना भी फ्लोर है ना सब सेम ही दिखता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी चले जाओ सब सेम ही है। और फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली, चूँकि अगेन एक 3 सीटेड वाले रूम में, और ये रूम काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। देख सकते हो आपको 3 वही कबर्ड मिल जाएगा, कूलर वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पंखा मिल जाएगा, लाइट तो मिलना ही है। और इस साइड से आपको ना विंडो मिल जाती है, इस तरीके से देख सकते हो नेचुरल लाइट ना काफ़ी अच्छी खासी आ जाएगी इससे यहाँ पर ऐसे। तो ऐसे भी आप करके पढ़ाई कर सकते हो, स्टडी टेबल यहाँ पे बेड पे लगा के। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा, मतलब 3 लोग में अगर आप रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो रेंट। हाँ जी गाइस, अगर मैं रेंट की बात करूँ ना तो ये वाला जो रूम है ना ये ट्रिपल बेड वाला रूम है, और रेंट ना आपको 8,000 रुपये लगने वाले हैं पर बेड के हिसाब से। तो आप रह सकते हो, रूम ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो सो अगर आप आते हो तो आ सकते हो, इनका 3-4 हॉस्टल और भी है तो आप किसी में भी शिफ्ट कर सकते हो, आ सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो पूरी डिटेल्स में। फिलहाल अभी मैं आपको ये वाली हॉस्टल दिखा रही हूँ, मैं आपको और थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पे ये वाला जो है ना रूम मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, एंड इसमें की जो लड़की है वो भी नेचर वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हाँ, और इस हॉस्टल का वीडियो ना मैं एक ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ, वो दूसरा कोई ब्रांच था, ठीक है, और ये दूसरा ब्रांच है तो उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये रही हमारी इस रूम की लड़की। तो पहले हम रूम पे फोकस करेंगे, उसके बाद इनसे बात करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल रूम थोड़ा सा दिखा दीजिए, ओवरऑल रूम कुछ इस तरीके का लग रहा है देखने में, देख सकते हो यहाँ पे आपको कवर्ट वगैरह जो भी है ना वो सारी चीज़ें मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको बड़ी सी ना विंडो देखने को मिल जाएगी, जिससे नेचुरल लाइट काफ़ी अच्छी खासी आ रही है। और यहाँ पे ना आपको कूलर वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है, देख सकते हो। और ये ना जो रूम है ये डबल सीटेड रूम है, रेंट कितना है? 8,000। हाँ सेम आपको 8,000 रुपये ही रेंट यहाँ पर लगने वाले, ट्रिपल लो, डबल लो, सिंगल का ही इतना है। अब 8:30 हो गया, हाँ 8:30 हो चुका है, तो आप लोग भी आ सकते हो, ठीक है। रूम और मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। आइए अब यहाँ की लड़कियों से ना थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि ये लोग बता पाए पूरा जेन्युइन रिव्यू, ठीक है। हाँ तो आपका नाम क्या हुआ? मुझे पता है इनका नाम सालू है, फिर भी आप अपने मुँह से बता दीजिए। सालू। सालू आपका? श्यामली। कैसी हैं आप दोनों, पहले ये बताइए। अच्छे हैं। अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कब से रह रही है इस हॉस्टल में? 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 1 साल से ज़्यादा? थोड़ा सा लाउड बोलिए। 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आप? मेरा जस्ट अभी 1 मंथ हुआ है। अच्छा, 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, शेयर करिए थोड़ा सा फैसिलिटीज़ के बारे में। सब कुछ अच्छा ही है। अच्छा है। और रेंट जो लग रहा अफोर्डेबल मतलब है? हाँ हाँ, सब कुछ और हॉस्टल के मुकाबले तो हमको यहाँ पे अच्छा लगा, लाइक खाना वगैरह। और फिर हॉस्टल मतलब फर्स्ट टाइम जब आए थे तो थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब कैसे रहे हैं, कैसा, लेकिन जब रहे तो फिर एक्सपीरियंस अच्छा रहा सब। अच्छा, कुछ रूममेट के साथ कैसा रहा? रूममेट के साथ तो बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया ना, क्योंकि ऐसे नॉर्मली देखा जाता है हॉस्टल में लड़कियों के बीच में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, रूममेट वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आप दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत मस्त चल रहा है? एक्चुअली ये बहुत अच्छी है, तो मतलब सब कुछ मैनेज सब कुछ सही रहा। किस चीज़ की तैयारी करती हैं आप? फिलहाल ADCA कर रहे हैं, नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग एरिया में जाना है। तो ऑनलाइन कर रहे हैं। बोरिंग रोड में ऐसा देखा जाए कोई लड़की आना चाहे तो इस हॉस्टल में आ सकती है? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा हॉस्टल है और हॉस्टल के मुकाबले लाइक अदर हॉस्टल में देखा जाता है खाना वगैरह फिर रहने का, तो यहाँ पे सब कुछ पानी वगैरह सब कुछ बेटर है। हाँ, ओवर रेटिंग लाइक 5 हो तो देन 4.5, लेकिन
सर मतलब 100% तो सही नहीं होता, तो 4.5। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे मैं आपको और भी दिखा, मैं नीचे आ चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा ना बड़ा आलीशान ये वाला हॉस्टल है। सो सारे रूम ना लगभग सेम ही है, तो एक ही रूम को बार बार क्या ही दिखाना। मैं रेंट की बात करूँ ना तो वही आपको 8,000-8,500 रुपये ऐसे ही करके आपको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो आप यहाँ पे आ सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल्स में जान सकते हो, नंबर वगैरह जो भी होगा ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड रहेगा, तो वहाँ से जाके आप। नेक्स्ट रूम में हम लोग आ चुके हैं एंड ये रूम भी ना डबल सीटेड वाला ही रूम है, देख सकते हो। रेंट की बात करूँ तो सेम आपको 8,000-8,500 रुपये ही लगने वाले हैं। और यहाँ पे भी सेम आपको दो छोटी छोटी सी अलमारी इस तरीके से मिल जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है लड़कियों का, देख सकते हो। और एक रैक भी आपको यहाँ पे इस तरीके का मिल जाता है जहाँ पे आप अपना बुक्स वगैरह जो भी होता है ना, कपड़े वगैरह वो सब रख सकते हो। जी गाइस, हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे आप आते हो ना तो आपको नॉर्मली हॉस्टल में ना लाइब्रेरी देखने को नहीं मिलता है, बट इस वाले हॉस्टल में ना आपको लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाती है, ताकि रूम में होता है ना कभी कभी के रूममेट्स शोर करते रहते हैं या फिर अगल बगल शोर होती है, तो इस वजह से लाइब्रेरी का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो आइए आते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा छोटू सा लाइब्रेरी जहाँ पे आराम से 10-15 लोग तो आराम से पढ़ ही सकते हैं, देख सकते हो। अच्छा है, मतलब 10-15 स्टूडेंट के लिए ना मुझे बेस्ट लगा। यहाँ पे छोटा छोटा सा चेयर और टेबल लगा हुआ है जिसपे आप अपना बुक्स वगैरह रख के और यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो विद्यापीठ वाले स्टूडेंट का ना बैग्स वगैरह रखा हुआ है, सारी चीज़ें। बट यहाँ सो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। और इस हॉस्टल का वीडियो ना मैं एक बार कर चुकी हूँ, तो उसका भी मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, तो अगर आपको डिटेल्स में देखना है ना तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।